पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है लाइन और प्लेन के बीच में। ऑब्वियसली बात है, प्लेन को एक लाइन काटती हुई दिखेगी तो आर्टिकल आर डॉट एन इक्वल टू क्या हुए, तो एक लाइन जो है वो उस प्लेन को काटेगी। कैसे काटती हुई जाएगी उसकी हम बात कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये देखो, ये लाइन है मान लो, ये काटेगी, ये क्या आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, ये हमने निकालना है बस। आज आर्टिकल है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है किसका भला, लाइन का। ये लाइन की इक्वेशन दी हुई होगी, तो हम करें कैसे। सबसे पहला स्टेप, ये जो लाइन की वेक्टर फॉर्म है इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लेंगे जो हमें आती है। सबसे पहला स्टेप, लाइन की वेक्टर फॉर्म को, कार्टेशियन फॉर्म कौन सी होती थी लाइन की, x माइनस एक्स वन इंटू ए, नहीं वो तो प्लेन की होती थी। लाइन की क्या होती थी, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, y माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, ये होगी लाइन की। पहला स्टेप खत्म, अगर वेक्टर में दिया तो कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लेना। फिर स्टेप टू, जो लाइन की इक्वेशन होती है उसको लैम्डा के इक्वल मान से मान लेना। लैम्डा के इक्वल मानने से मिलता क्या था, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन। तो अगर मुझे कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन चाहिए, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन का मतलब मेरा क्या है, अगर मुझे ये पॉइंट चाहिए, कौन सा पॉइंट, ए, तो मैं क्या करूंगा, इस लाइन को लैम्डा के इक्वल मान लूंगा। इस लाइन की इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करके लैम्डा मान लिया, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इन द लाइन आ गया, लैम्डा की फॉर्म में आएगा। अब ये पॉइंट ए किस पे लाई करेगा, प्लेन पे। तीसरा स्टेप, उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। सबसे पहला स्टेप क्या करूंगा, स्टेप वन, कन्वर्ट कर लूंगा वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन को इनटू कार्टेशियन फॉर्म में आता है। दूसरी बात, स्टेप टू, अब वो कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, वो होती है एक्स माइनस एक्स वन बाय वाई माइनस वाई वन बाय बी, जेड माइनस जेड वन बाय सी। फिर दूसरा स्टेप, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन निकालूंगा, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ए ऑन अ लाइन पे निकालूंगा, कैसे आ जाएगा, वो आ जाएगा एक्स माइनस एक्स वन बाय ए, वाई माइनस वाई वन बाय बी, जेड माइनस जेड वन बाय सी इक्वल टू लैम्डा। तो पॉइंट ए आ जाएगा लैम्डा की फॉर्म में। फिर स्टेप थ्री है, जो पॉइंट ए है, नाउ पॉइंट ए जो है वो लाइज करेगा किसके ऊपर, ऑन प्लेन के ऊपर, देयरफॉर उसको क्या कर देंगे, सेटिस्फाइज कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। ये जो पॉइंट ए है प्लेन के ऊपर लाइज करेगा उसको क्या करा देंगे, सेटिस्फाई, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कैसे, अभी दिखा रहा हूँ, एग्जाम्पल है। Find the point of intersection, 26 का first है, तो इसमें article क्या चल रहा है, 26 का first question करा रहा हूँ, 26 थे, कल 4 तक कराए थे, पहले article wise करा रहा हूँ। तो find the point of intersection of line, find करना है, point of intersection निकालना है, किसका वाला, of line का, लाइन क्या दे रखी है, आर इक्वल्स टू आई प्लस टू जे प्लस थ्री के प्लस लैम्डा टाइम टू आई प्लस जे प्लस टू के, एंड प्लेन क्या दिया हुआ है, आर डॉट टू आई सिक्स जे प्लस थ्री के प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, ये आपके पास दिया हुआ है। सबसे पहले क्या कर लो, कन्वर्ट कर लो, किसको बोला, जो वेक्टर फॉर्म है किस में बोला, कार्टेशियन फॉर्म में। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन है, कन्वर्ट कर लो वेक्टर फॉर्म को, लाइन को किस में बोला, कार्टेशियन फॉर्म में। कन्वर्ट कर लो वेक्टर फॉर्म को ऑफ लाइन वन इनटू कार्टेशियन फॉर्म में, तो यही पहला स्टेप पे कर लेंगे। लिख दिया सबसे पहले, कैसे कराओगे ये कंपेयर, वैसे तो पता ही है ये क्या होगा, इसका पासिंग पॉइंट और ये क्या होंगे, डी आर। तो कंपेयर करा लो वन को विद किसके साथ, आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम एम,
देयरफॉर पासिंग पॉइंट तो तुम्हें सीधा ही मिल जाएंगे, टेंशन की जरूरत ही क्या है। पासिंग पॉइंट क्या मिल गए, ए कितने आ गए, 1, 2, 3। डी आर क्या आ गए ऑफ लाइन के, एम 2, 1, 2। अब क्या कर लो, इसकी कार्टीजन फॉर्म में लिख लो। कार्टीजन फॉर्म क्या होती है, आज तो मैं फिर भी आपको सारे बता रहा हूँ, ये तो आपको अब याद हो जानी चाहिए। जेड माइनस जेड वन वाई सी, ये एक्स वन है, ये वाई वन है, ये जेड वन है, ये ए है, ये बी है, सी है। ताकि मैं इसलिए चल रहा हूँ इस तरह से ताकि आपको याद हो जाए, ये आ गया। अब क्या निकाल लो, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन निकाल लो। कैसे निकालोगे, लैम्डा मान के। स्टेप टू शुरू हो गया। स्टेप टू में क्या कराओगे, कोऑर्डिनेट निकाल दोगे। कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ए ऑन लाइन पे क्या आएगा, सोचो। एक्स माइनस वन बाय टू, वाई माइनस टू बाय जेड माइनस लैम्डा। तो पॉइंट ए आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस वन, कोई पहली बार तो निकाल नहीं रही हो। लैम्डा प्लस टू, 2 लैम्डा प्लस थ्री। नाउ पॉइंट ए लाइज करेगा प्लेन पे। नाउ पॉइंट ए, इसको कोई नंबर दे दो। पॉइंट ए लाइज करेगा ऑन प्लेन टू पे, देयरफॉर क्या करेगा, सेटिस्फाई करा दो। सेटिस्फाई कैसे कराओगे, इसकी वैल्यू एक्स वाई जेड की जगह पुट करा देना। प्लेन टू क्या है, प्लेन टू इज आर डॉट टू आई माइनस थ्री जे प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। आर की वैल्यू पुट करा दो, पुट करा दो आर को, कितना भला एक्स आई वाई जे जेड के। तो कार्टीजन फॉर्म क्या आ जाएगी, सोच लो प्लेन की, ये भी कार्टीजन फॉर्म निकाल लो ताकि सेटिस्फाई करना आसान रहे। 2i 6j प्लस 3k 5 इक्वल टू जीरो। बताओ अब कितना आ गया, 2x 6y 3z प्लस 5 इक्वल टू जीरो। नाउ पॉइंट ए को सेटिस्फाई करा दो, पॉइंट ए सेटिस्फाई करेगा। पॉइंट ए को क्या करा दो, सेटिस्फाई। x की जगह क्या पुट करा दोगे, x की वैल्यू। y की जगह क्या पुट करा दोगे, y की वैल्यू। जेड की जगह क्या करा दोगे, जेड की वैल्यू करा दीजिए, आंसर आ जाएगा। बताइए मेरे को, खुद ही निकाल के लैम्डा बता दीजिए मेरे को कितना आ रहा है, मैं सीधा लिखूं। 6 into lambda plus 2, 3 into 2 lambda plus 3 plus 5 equal to 0। बताइए आप लोग लैम्डा कितना आ रहा है। वन आ रहा है, माइनस वन आ रहे, देखना माइनस वन आ रहा है किसी का, देखना ट्राई है, लैम्डा बताओ हाँ या ना, माइनस वन आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ। 2 to the 4, 2 ये आ गया, 12, 9, 11, 4, 4 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा माइनस वन आ गया। इसको अपुट करा दो किस में बना, 3 में। आंसर आ गया पॉइंट ए। पॉइंट ए क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट, जहाँ लाइन और प्लेन क्या करेंगे, मीट करेंगे। पुट करा दो, लैम्डा की वैल्यू माइनस वन इन थ्री में, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा, 2 into -1 + 1 - 1। तो पॉइंट ए कितना आएगा, -1, 1, 1 ये आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन पॉइंट। चल कर लो आंसर। अगला है नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 6, फोटो पर पेंडिकुलर एंड इमेज है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं 26 का। -1, 1, 1 बिल्कुल ठीक है। आर्टिकल नंबर 6 है, 6 आर्टिकल। फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपके लिए नया नहीं है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, आप पहले बहुत बार फुट ऑफ परपेंडिकुलर सुन चुके हो, प्लस वन से सुनते आ रहे हो, स्ट्रेट लाइन से, उसी को बोला जाता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। यहाँ भी कहता है, लाइन में भी हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन में भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एंड हमें क्या निकालनी है, उसकी इमेज निकालनी है। क्या निकालना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है एंड इमेज है फ्रॉम अ पॉइंट से टू अ प्लेन पे
यानी तो क्या दिया हुआ है हमारे को, फुटो परपेंडिकुलर दिया हुआ है। हाँ, हमें क्या निकालना है, फुटो परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट से पी एक्स वन वाई वन जेड वन से, ये प्लेन दिया हुआ है हमें, इस पे निकालना है आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा एम एम, ये निकालना है। इसको हम क्या बोलते थे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और अगर इमेज की बात करें तो मैं अब इसमें क्या आपको बार बार स्ट्रेसली समझाऊंगा, इमेज तो आप सबको पता ही है, इमेज हम किसको बोलते हैं, यहाँ से ही आप इतनी ही दूर चले जाओ क्या भला पी डैश पे, ये पी था, इसकी इमेज क्या होगी पी डैश, वो होगी एक्स डैश वाई डैश जेड डैश वन रेशो वन में, मतलब फुटो परपेंडिकुलर क्या होता है, मिड पॉइंट होता है किसका भला, पॉइंट पी एंड पी डैश, ये बीच में होता है वन रेशो वन में डिवाइड करता है। करूंगा कैसे, जो इस प्लेन की इक्वेशन दी हुई है सोचना, आर डॉट एन इक्वल टू क्यू, तो ऑब्वियस ही बात है आर डॉट एन इक्वल टू क्यू के पास नॉर्मल के क्या होंगे, डी आर, नॉर्मल के डी आर होंगे बिल्कुल। किसके पास, आर डॉट एन इक्वल टू क्यू क्या है, प्लेन की इक्वेशन, क्या इसके पास नॉर्मल के डी आर है, हाँ है डी आर है, जो इसके डी आर है, अगर आप आधे मिनट के लिए मेरी बात को अपने दिमाग में डाल लें, आंखें बंद करके डालो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक लाइन और प्लेन का और फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक ही तो बात है, सिर्फ इतना फर्क है कि जो इंटरसेक्ट करती है लाइन, लाइन काटेंगी तो कोई एंगल बनाएगी थीटा, इसमें वो एंगल कितना होगा 90 डिग्री, इतना ही तो फर्क है। एक लाइन काटती है प्लेन को तो पॉइंट ऑफ क्या देती है, इंटरसेक्शन, और एक परपेंडिकुलर काटेगा तो क्या देगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुटो पेंडिकुलर कैसे आता है, ये प्लेन है, ये लाइन है, ये काटेगी तो क्या देगी, फुटो पेंडिकुलर, अगर इंटरसेक्ट करेगी तो क्या देगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अपने आप से पूछो क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और फुटो पेंडिकुलर सेम ना हुआ, सिर्फ फर्क क्या हुआ, एंगल का। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है वो लाइन जब बनाती है तो कोई एंगल बनाएगी, मेरा मतलब ये है ये लाइन है, मान लो ये लाइन है, ये कभी काटेगी प्लेन को, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देगी तो कोई एंगल बनाएगी, सोचो ये एंगल थीटा होगा, पर इसी एंगल को अगर मैं 90 कर दूं, सोचो अगर यही एंगल मैं 90 कर दूं तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर बन जाएगा, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज आल्सो अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, किसका वाला, इस लाइन का और इस किसका, प्लेन का। तो ये लाइन की इक्वेशन अगर आ जाए तो पिछला आर्टिकल लग जाएगा, अगर आपको समझ आ जाए पिछला सेम आर्टिकल लग जाएगा, क्या मतलब, हमें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, इसके बाद नॉर्मल के डी आर होते हैं, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सिंस नॉर्मल जो होता है प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, पैरेलल टू द लाइन होगा, पहला स्टेप है स्टेप वन, सिंस जो नॉर्मल होगा टू द प्लेन का इज नॉर्मल टू द प्लेन इज पैरेलल होगा टू द लाइन, कौन सी लाइन के, पी एम के, क्यों पी एम, ये एम पॉइंट लिया हुआ है, सो डी आर आर सेम होंगे, क्या मतलब डी आर ऑफ पी एम पैरेलल होने का डी आर ऑफ नॉर्मल के होंगे, ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं, दोनों के डी आर क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे, ये चीज चलेगी, दोनों के डी आर क्या आ गए, सेम आ गए। फिर स्टेप टू है, स्टेप टू में क्या चलेगा, सोचो जो ये लाइन है पीएम उसकी इक्वेशन निकाल दो, इक्वेशन ऑफ लाइन पीएम की निकाल दो, जो पास किससे होता है, पी से, एंड डी आर क्या आएंगे, ऑफ नॉर्मल के होंगे, वो क्या आएगी, एक्स माइनस एक्स वन बाय y माइनस वाई वन बाय बी जेड माइनस जेड वन बाय सी, अब सेम एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्या मतलब, स्टेप थ्री कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन निकाल दो, स्टेप थ्री कोऑर्डिनेट निकाल दो ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ए का निकाल दो लाइन, तो पॉइंट ए किसकी फॉर्म में आ जाएगा, मैं क्या बताना है, पता ही आपको, लैम्डा की फॉर्म में आ जाएगा, मतलब x माइनस एक्स वन बाय ए इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन बाय बी इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन बाय सी इज इक्वल्स टू लैम्डा, तो
पॉइंट ए क्या आ गया, लैम्डा की फॉर्म में। अब ये पॉइंट किस पे लाई करेगा, प्लेन पे, देयरफॉर सेटिस्फाई करेगा पॉइंट ए लैम्डा की फॉर्म में, लाइज ऑन द प्लेन, देयरफॉर क्या करेगा, सेटिस्फाइज, करा दी सेटिस्फाइज। तो यहां से क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा। स्टेप फाइव है, जो पी डैश है वो इमेज है पी की, पी डैश जो होगी इमेज होगी पी की, बी द इमेज है और पॉइंट पी की। तो जो एम है वो क्या डिवाइड करेगा, एम डिवाइड करेगा पी और पी डैश को, जो पॉइंट एम है वो क्या करता है का के, मतलब पॉइंट एम समझते हो, फोटो परपेंडिकुलर। पॉइंट एम क्या करेगा, नाउ पॉइंट एम जो होगा वो डिवाइड करेगा पी एंड पी डैश को इन वन रेशो वन, वहां से इमेज भी आ जाएगी। एग्जांपल है देखो जरा, इसमें काफी सारे क्वेश्चन रहेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 9 तो नहीं, क्या 11th 12th 13th 14th ये रहेंगे, इसमें आएंगे क्वेश्चन नंबर 9th 10th 11th 11th से 11th 12th 13th 14 है, तो 14 करा रहा हूँ आपको फाइंड करने हैं, कोई भी एक निकलवा लो, जिसका मर्जी निकलवा लो, 12th का करा रहा हूँ 12th है, सबका एक ही बात करनी है, 12th में ये क्या दे रखा है आपको, 12th क्वेश्चन करा रहा हूँ, 12th में क्या निकालना है, फाइंड करो फुट ऑफ परपेंडिकुलर एज वेल एज इमेज भी निकाल रहा हूँ, किसकी वाला ऑफ पॉइंट की, पॉइंट दिया हुआ है 12th में कितना 112 प्लेन में, प्लेन दिया हुआ है x 2x माइनस 2y 4z 5 इक्वल टू 0, ये प्लेन की क्वेश्चन दी हुई है, तो इसका पासिंग पॉइंट दिया हुआ है तो मैं क्यों टेंशन में रखूं, पासिंग पॉइंट दिया हुआ है कितना वाला 1 1 2 में, प्लेन की क्वेश्चन दी हुई है, दी हुई है, चिंता करने की जरूरत ही नहीं थी प्लेन की क्वेश्चन में, कितनी दी है प्लेन की क्वेश्चन, प्लेन की क्वेश्चन आपको मेंशन की गई है 2x माइनस 2y 4z प्लस 5 इक्वल टू 0, तो सबसे पहले क्या निकालो, dr निकालो, किसके बला नॉर्मल टू द प्लेन के, सॉल्यूशन शुरू हो गए, कंपेयर करा लो 1 को विद tx by cz d इक्वल टू 0, देयरफॉर dr क्या आएंगे ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन के, नॉर्मल के dr क्या आएंगे, x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, z का कोएफिशिएंट। दूसरा स्टेप क्या होगा, सिंस नॉर्मल जो होगा टू द प्लेन, जो नॉर्मल टू द प्लेन कौन सा आया, सोचो आया कौन सा 2 -2 4 इस पैरेलल टू द लाइन PM हो जाएगा, नॉर्मल टू द प्लेन क्या हो जाएगा, लाइन PM के पैरेलल हो जाएगा, सो DRR सेम हो जाएंगे, DR ऑफ PM इक्वल टू DR ऑफ नॉर्मल हो जाएंगे, तो DR ऑफ PM के आए कितने, जितने नॉर्मल के DR हैं 2 -2 4, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते बिल्कुल, 1 -1 2 किससे डिवाइड करके पता ही है बाय 2 से, लिख लो ऐसे ही रहने दो, आपकी चॉइस ऐसे रहने दो या ऐसे रहने दो। अब इक्वेशन ऑफ लाइन PM की निकाल दो, जो पास किससे और ये बताओ लाइन 1 1 2 से, एंड DR ऑफ जिसके नॉर्मल के क्या है आपके पास, DR नॉर्मल के DR है बिल्कुल है, कितने हैं DR ऑफ नॉर्मल के बताओ, 1 -1 2 1 -1 और 2, ये नियम है DR बिल्कुल, आप कहोगे सर मैंने ये नहीं ले सकता, बिल्कुल ले सकते हो। तो क्या है इक्वेशन, x - x1 क्या है पासिंग पॉइंट, DR क्या है ABC, तो इक्वेशन क्या है कि बेटा x - 1 upon DR का है मेरे 1, y - 1 DR कितने -1, z - 2 DR कितने upon 2, याद रखिए
आगे 1 - 1 2 dr आगे 1 - 1 2 पासिंग पॉइंट आगे। अब क्या कराओगे कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ए के निकाल लेंगे। कैसे? इस लाइन को लैम्डा के इक्वल मान लो, x - 1 y - 1 z - 2/2 = λ। तो पॉइंट ए देख लो कितना आएगा, सोच लो, λ + 1 - λ + 1 2λ + 2। जब पॉइंट ए आएगा λ + 1 - λ + 1 2λ + 2, लाइज करेगा ऑन प्लेन पे। कौन से प्लेन पे? वन पे। कौन सा वन? ये दिया हुआ है, ये कह लो की बात है। देयरफॉर उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करा दो। कितना आएगा? ट्वाइस ऑफ एक्स की वैल्यू क्या पुट कराओगे बताओगे, λ + 1 - 2 ऑफ वाई की वैल्यू क्या पुट कराओगे, -λ + 1 जेड की वैल्यू क्या पुट कराओगे, 4 ऑफ 2λ + 2 +5 = क्या आएगा, 0। तो करा दो यहाँ से लैम्डा बता दो सीधे कितना आ रहा है, जिसका आ रहा है बता दो भी, मेरा लैम्डा इतना आया बताओ, मैं उतना ही लिख देता हूँ। लैम्डा की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, 2λ + 2λ, 4λ, 4 और 8, 12λ। सोचो, चांदनी 8, 2 10, 2 12λ, 2 - 2 कट गया, 8 + 9 17 आ रहा है लैम्डा, -17/12 आ रहा है। देखना जरा आपका कितना आ रहा है, देखो जरा, देखना मेरे को बताना जरा 12th का, देखो एक बार ठीक लिखा हुआ है 17/12, बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि आंसर के हिसाब से देखा है तो पॉइंट वही आ रहे हैं, यही आ रहा है क्या, -17/12 -17 लैम्डा आ रहा होगा -17/12। एक बार दोबारा देखना, 2 - 2 4 - 4 और 8 8 5 13 और 2 2 4 हो गया ना 2 में से 2 गया तो कट गया 4 - 8 8 और 5 13 आएगा ना ठीक है 13 है। देखना जरा, ये तो 2 आ गया, ये भी 2 जाएगा तो कट गए, फिर क्या आएगा 8 और 5 13, तो 13 चला गया, और लैम्डा तो 2λ + 2λ + 8λ = 12λ आ गया, तो -13/12 है। अब इसको कहाँ पुट करा दो, इसको पुट कराओ ए में, ए कहाँ है, कहीं ना कहीं पॉइंट दिया होगा ए में, पुट कराओ ताकि मेरे पास क्या निकले, फुट टू परपेंडिकुलर निकले। सेकंड में पुट कराओ, पुट करा दो लैम्डा को -13/12 इन किस में करा दो, 2 में कराओ जरा, बताओ मेरा पॉइंट ए कितना आ रहा है, सोचना पॉइंट ए जिसको फुट टू परपेंडिकुलर बोला गया है, -13/12 + 1 13/12 + 1 2 - -13/12 + 2 देखिए जरा कितना बनता है, -1/12 - 25/12 देना, और ये कितना आएगा 24 - 2/12 देखना, देखना पीछे आंसर, पहले ये देख लो फिर अगला देखता हूँ। देखो पीछे आंसर ये आ रहा है इसका, -1/12 ओह यस काके यही आएगा, यही ये कितना आ रहा है -26 -2/12 दे रहे ना, हाँ माइनस बिल्कुल ठीक है, ओ यस काफी। अब मुझे क्या निकालना है आप बताओ, अब मुझे क्या निकालना है बताओ, इमेज निकालनी है, निकाल देता हूँ इमेज, इमेज निकालते हुए क्या फर्क पड़ता है, इमेज में अभी निकाल देता हूँ, इमेज कैसे निकालूंगा बताओ, इमेज 1:1 से फुट ऑफ पेंडुलर कितना आ गया सोचोगे, -1/12 25/12 माइनस का नहीं प्लस का, और -2/12। अब 1:1 से इमेज निकाल दो, आंसर आ जाएगा। अगर आपको इमेज भी चाहिए तो आपकी इमेज भी आ गई, सोच लो। तो ऐसे निकालना है फुट टू परपेंडिकुलर, ऐसे ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों सेम निकालने हैं। अब आपको क्या निकालनी है, इमेज, इमेज कैसे निकालोगे, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाल लेना, उसमें क्या है, ये क्या आएगा -1/12 = x - 1/2। यहाँ से x डैश निकालो कितना आता है सोचो, ऐसी दूसरा निकालो, ऐसी तीसरा निकाल दो, अगर दूसरा निकालो तो क्या निकलेगा 25/12 = 1 + y - 2। यहाँ से y डैश बता दो, और लास्ट क्या निकलेगा -2/12 = 2 + z - 2, z - भी निकलेगा।
सबके आंसर बता देना, ये क्या आदि बताओगे? इमेज। चलिए ट्राई है, निकाल लीजिए ये आर्टिकल, करिए क्वेश्चन, करिए। अगला आर्टिकल है